नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका डॉक्टर गुरप्रीत और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु। दोस्तों आज हम हनुमानगढ़ मेले में पहुंचे हैं जी, और यहाँ जो मेन कैंप हमने देखा शुरू में ही, वो घोड़ों के ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने कुछ लगा रखा था, तो उन भाई साहब से अपने बातचीत करते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास है। अच्छा जी। और मैं ब्रुक इंडिया से हूँ। अच्छा जी। और एक ये इंटरनेशनल चैरिटी है जो 12 देशों में काम करती है। ठीक है जी। ठीक है। भारत के 12 राज्यों में काम करती है। ठीक है जी। और स्पेशली ये घोड़ा गधा खच्चर के लिए काम करती है। ठीक है जी। उनके कल्याण के लिए दो तरीके से काम करती है। एक तो मेलों में जो 68 मेले हैं भारत के सबसे बड़े मेले हैं, उनमें कैंप लगा के फ्री चिकित्सा करती है पशुओं की। ठीक है जी। और कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज भी करती है। ठीक है। उनको बीमारियों के कारण लक्षण बचाव के बारे में जानकारी देना। और हम लोग जहाँ ऐसे ज़िले जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा इक्वाइन पॉपुलेशन है उसको लेते हैं और लगभग 5 से 10 साल काम करते हैं। वहाँ पर जो इक्वाइन ऑनर कम्युनिटीज़ है उसको अवेयर करते हैं बीमारियों के बारे में, रख रखाव के बारे में, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं ताकि वो बीमारियों से मतलब बचे रहें। ठीक है जी। और उनको खान पान संबंधी भी जानकारी देते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और लगभग हर मेले में हमारा ये कैंप लगता है। ठीक है जी। ठीक है जी। सर वैक्सीनेशन है जो इनकी कौन कौन सी बीमारियों की और कब कब कैसे कैसे की जाती है जी? मुख्यतः इसमें जो टिटनेस की बीमारी होती है। अच्छा जी। उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ये 3 साल में 3 बार, आज अगर करा दिया तो फिर 30 से 45 दिन पे कराना पड़ता है और साल में कराना पड़ता है। ठीक है जी। जब ब्रुक इंडिया ने अपना 2001 में एक कार्यक्रम शुरू किया था इंडिया में, तब ये घोड़ों में बहुत बीमारी होती थी टिटनेस, लेकिन प्रॉपर वैक्सीनेशन से ये बीमारी पे काबू पाया जा सका है पूरे भारत में। और हम यहाँ भी मेलों में भी जो ऑनर आते हैं, जो व्यापारी आते हैं, उनको इस बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि वो टिटनेस का वैक्सीनेशन करा लें, ताकि एक ये जिसका इलाज बहुत महंगा है, लगभग जितने का पशु होता है उतने की दवाएं लग जाती हैं, तो जो गरीब कम्युनिटी है वो इसका इलाज भी नहीं करा पाते। सही बात है जी। आपकी तो हम लोग कोशिश करते हैं वैक्सीनेशन करा लें ताकि टिटनेस की बीमारी से बचे रहें। ठीक है जी। वैक्सीनेशन होगी टिटनेस की जी। और कौन कौन सी वैक्सीनेशन इसमें होती है जी? वैक्सीनेशन के लिए आप एंटी रेबीज का करा सकते हैं। मान लीजिए किसी पशु ने पशु को काट लिया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो आप प्री डोज भी लगवा सकते हैं उसमें। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये चूंकि 0, 7, 28 इसका ये शेड्यूल होता है, फिर साल में ये लगता रहता है। सही बात है। तो किसी भी पशु ने अगर इसको काट लिया तो उससे बचाव रहता है उसका। ठीक है। आपके ग्रुप में कितने बंदे काम करते हैं फिलहाल? पूरी इंडिया में तो लगभग 350 से 400 का स्टाफ है। अच्छा। हमारा हेड ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा में है। अच्छा जी। और लगभग 33 यूनिट चल रही है 12 राज्यों में। ठीक है जी। अलग अलग जिलों में। ठीक है जी। जहाँ 5,000 से अधिक इक्वाइन पॉपुलेशन है। ठीक है जी। जैसे आपने मैंने देखा अभी टिटनेस की बीमारी हो गई जी, और सर्रा हो गया जैसे जी, ग्लैंडर्स हो गया जी, तो सर्रा की वैक्सीनेशन तो नहीं होगी कोई, है ना जी? सर्रा का वैक्सीनेशन नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और या ग्लैंडर्स की? ग्लैंडर का भी वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है जी। इसका इस बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है, नहीं है जी, ये जूनोटिक बीमारी है। हाँ जी। ये मतलब पशुओं से इंसानों में भी फैल जाती है, बात है जी आपकी। तो इसकी रोकथाम के लिए बस अवेयर करते हैं उनके लिए कि आप लक्षण पहचान लें तो ऐसा पशु नाथ खरीदे। हाँ जी। हाँ जी। जिससे और पशुओं में फैले, और इसकी तुरंत सूचना जो अपना करीबी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर दे। सर डॉक्टर साहब, जैसे अपने देखते हैं कि घोड़ों की दुनिया में जैसे अपने रहते हैं। हाँ जी। तो मेन जो बीमारी है जैसे डाइजेस्टिव से संबंधित ज्यादा घोड़ों को रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खान पान में जैसे जो भी ओनर लेके जाता है घोड़े को जी, बंदा जैसे काम कर रहा है जी, जी जी जी, तो वो जैसे आम पशु को डालते हैं वैसे उसको डालने लग जाता है जी जी जी, जैसे वो दिक्कत हो जाती है उसको जी जी, तो उसमें क्या क्या चीजें जैसे क्या खाना पीना दिया जाए, और दिक्कत हो जाए तो उसके बाद में क्या किया जाए? स्पेशली इसमें पेट दर्द की बीमारी होती है। हाँ जी। हाँ जी। और पेट दर्द इस जो कोल्ड सीजन है ना। हाँ जी। इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है जी। ठीक है। अभी भी हमने मेले में 3 से 4 पशुओं का पेट दर्द का इलाज किया। इसका मुख्यतः कारण होता है कि अगर अचानक किसी ने चारा बदल दिया। हाँ जी। हाँ जी। और ठंडा पानी पिला दिया। ठीक है जी। कभी कभी कीड़ों की वजह से भी होता है, और विशेष रूप से ये बीमारी नहीं है, ये खान पान में अगर अच्छी तरीके से उसका बदलाव नहीं देते हैं, पानी कम पिलाते हैं, नमक अगर चारे में नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से होती है।
और हम उनको यही सलाह देते हैं कि इसके खान पान का ध्यान रखें, चारे में नमक मिलाएं और कम से कम साल में 3 बार कीड़ों की दवा जरूर दे दें। ठीक है, डिवार्मिंग जैसे होगी, इसमें ज्यादा आयरमेक्टिन या कुछ ऐसा चलता होगा जी? हाँ, इसमें स्पेशली आयरमेक्टिन और फेनवेंडाजोल हम ये यूज करते हैं। ये तो प्रेगनेंसी सेफ ही होगा ना? हाँ, ये प्रेगनेंसी सेफ है बिल्कुल। तो जो बहने वाले घोड़ियाँ दोस्तों उनको भी दे सकते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ओमनी जेल वगैरह इन्होंने रखी है जैसे मसल पेन के लिए कुछ? हाँ जी, हाँ जी, कोई एक्सीडेंटल मतलब चोट है तो उसमें ये ओमनी जेल काम करता है। नीडल वगैरह सब जी 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 डॉक्टर साहब के पास पड़ी है जी। हाँ जी, और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, अपने अपना कीमती वक्त हमारे ऊपर जाया किया और आपने अपनी इतनी कीमती जानकारी हमारे को दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।